वेरी हैप्पी टू बी हियर अगेन, क्योंकि इट्स अ गुड फीलिंग मेरे लिए बहुत कि CSK ने मुझे रिटेन किया. ऑब्वियसली माही भाई के साथ वर्क करने को मिल रहा है, एक और अपॉर्चुनिटी है नया इस साल. सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. बस यही कि मेरा बेस्ट देना है इस सीजन, वेन एवर आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले फॉर द टीम. आफ्टर द लास्ट सीजन लाइक इट वॉज अ न्यू फॉर्मेट फॉर मी, बहुत खेला नहीं था T20 में. सो एज आई गॉट टू नो कि मुझे क्या वर्क करना है इस फॉर्मेट में अच्छा करने के लिए, लास्ट सीजन के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली मेरे गेम के बारे में और डिटेल में पता चला. सो इस सीज़न में मेरा यही फोकस था कि जो भी मुझ में कमियाँ थी मैंने उन पर वर्क करके एक मेरा खुद का बेटर वर्जन इस साल में बन के आया हूँ. मेंटल प्रिपरेशन यानी यही था कि खुद का गेम पहले जानना कि मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, उन पे तो ऑलरेडी मैं वर्क कर रहा था. प्लस मेरी जो कमियां थी लाइक जैसे मैं ये फॉर्मेट कम खेला था, सो डेथ ओवर्स का प्रेशर हैंडल करना, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद द न्यू बॉल कि यू हैव टू बी ऑन द मनी फ्रॉम बॉल वन. इस फॉर्मेट में यू डोंट रियली गेट मेनी चांसेस फॉर द कमबैक. सो उन्हीं चीज़ों पे कि प्रेशर कैसे हैंडल कर सकता हूँ, मेरी फील्ड्स क्या रह सकती है बॉलिंग पे. मेंटली अगर देखेंगे तो लाइक देर विल बी अ लॉट ऑफ क्राउड व्हेन यू प्ले, सो यू हैव टू हैंडल ऑल दैट प्रेशर, नॉट टू थिंक अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जस्ट बी इन द प्रेजेंट. और इन्हीं चीज़ों पर बस काम कर रहा था. चेंज करने से इम्पॉर्टेंट है कि लाइक लास्ट ईयर मुझे पता चला कि एक्चुअल मेरे स्किल्स क्या है, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, उन्हें कैसा और ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकता हूँ मैं जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सो दैट इज़ माय एम, लाइक वट एवर आई हैव इन माय आर्मरी आई हैव टू यूज़ एट इट्स बेस्ट. द सपोर्ट स्टाफ उन्होंने बहुत एक बड़ा रोल प्ले किया है, लाइक दे कीप वर्किंग ऑन मी whenever I am lacking in something or किसी चीज़ में अगर मैं उन्हें लगता है कि मैं इस चीज़ में confused हूँ, so वो तुरंत आके वहीं पर मुझे बता देते हैं. और they have been very helpful, like कभी भी आप उनके रूम में जा सकते हो, उनसे बातें पूछ सकते हो कि मुझे ये लग रहा है इस चीज़ पर मुझे work करना है, कभी भी ready है. like if you want to work extra off the practice times, even at that time they are there for you. Healthy atmosphere है टीम में सपोर्ट स्टाफ का, कि कुछ भी लाइक एज अ फ्रेंड दे विल टेल यू, दे विल बी विथ यू अराउंड यू ऑलवेज. उनका पहला इंटरेक्शन था कि वो बहुत फ्री है, बहुत जल्दी लाइक हम उनके साथ मिक्सअप हो सके और उनसे आप कभी भी जाके बात कर सकते हो. लाइक कल हम साथ में आ रहे थे तो उन्होंने मुझे पूछा कि लाइक कैसा गया आपका सीज़न, क्या सीखे आप सीज़न से. सो मैंने भी उनसे इंटरेक्शन किया, बोला उनसे कि माय सीजन वाज लाइक दिस एंड ऑल दैट. और फिर उन्होंने बताया कि जो आपको पता चल रहा है उस पर आप हार्ड वर्क करो, क्योंकि नथिंग कैन बीट हार्ड वर्क. आप जितना उस चीज़ के लिए टाइम दोगे, उस पर वर्क करोगे, उतना ही वो बेटर हो जाएगा, उससे आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. सो बहुत अच्छी चीज़ है उनसे सीखने को मिल रही है अभी. अभी तक तो जितना इंटरेक्शन हुआ है यहाँ के लोकल से और सबसे तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन था वो. लाइक हम एक टूर पे भी गए थे, एक शॉर्ट टूर बाहर की CSK अपना चेपॉक का, जो हमें पहले से सुन रहे थे कि यहाँ का क्राउड बहुत पसंद करता है CSK टीम को. सो उनके साथ इंटरेक्ट करके तो बहुत अच्छा लगा ऑब्वियसली. और यही रहेगा कि टीम के लिए अच्छा करना है तो ऑटोमेटिकली द क्राउड विल बी ऑल्सो हैप्पी टू watch us playing and doing good for CSK. Actually, एक huge impact है इस tournament का मेरे पे, especially on as a player, क्योंकि you know that very few people get chance to play at this level. बहुत बड़ा level है, international level है, सभी international players के साथ मिलके आपको खेलने का chance मिल रहा है. So you should know that you are good enough to play at this level. Firstly, because बहुत tough है इस level पे सिलेक्ट होना, एज यू नो, बिकॉज आपको अच्छा करते रहना पड़ेगा डोमेस्टिक में टू बी इन दिस सेटअप. सो एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम बहुत प्रेशर होता है परफॉर्म करने का, बट इफ़ यू आर नॉट इन्जॉइंग दिस प्रेशर एंड आपको बस हमेशा गेम के साथ चलना है, गेम इन्जॉय करना है, क्योंकि जो आपका स्ट्रेंथ है बस उसी पर खेलना है. नथिंग रियली चेंजेस, आपका एक पर्टिकुलर माइंडसेट है उससे बस चलना है. और आपको कुछ लगेगा भी तो अपने हमारे टीम में बहुत बड़े प्लेयर्स हैं सब, आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं. जो मैं अच्छा करता हूँ बस उसे अच्छा करते रहना है इस लेवल पे,
और इन्जॉय करना है गेम, दैट्स द मेन पार्ट।